12वीं क्लास, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध है दो महाशक्तियों के बीच ये वो बातचीत के द्वारा किया जाने वाला युद्ध था। ये कोई वैसा युद्ध नहीं था कि गोले बाल उठा के गए थे, वैसा कोई युद्ध नहीं था। इसमें ये केवल दो महाशक्तियों के बीच किया जाने वाला युद्ध था, जिसमें एक तो था सोवियत संघ और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दो महाशक्तियां जब खत्मी तब सारे देश गुलाम थे, उनके आजाद होने के बाद पूरे विश्व में दो ही महाशक्तियों का राज था, वो थी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अपन इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यह समकालीन विश्व राजनीति के पास सुरेशन पहले की तुलना में अब अमेरिका का युद्ध के भूभाग के लगभग
अमेरिका को कितने दिन बाद लगी? 3 हफ्ते बाद लगी। उन्होंने अपना सैनिक ठिकाना बना ही दिया था, लेकिन अमेरिका को कितने दिन बाद लगी? 3 हफ्ते बाद उनको बनाने लगी कि क्यूबा में सोवियत संघ ने अपना मिसाइल अड्डा बना रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की
आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे में बम गिराना और गैर जरूरी था कि इलाकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अपने जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकने का था। वह सोवियत संघ के सामने यह पहचान जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करके तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को यात्री की जन आने को रोकने के लिए परमाणु गिराने जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण की हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ। विश्व राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।